21 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। शुक्रवार को मतगणना पर्यवेक्षकों व मतगणना सहायकों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने मतदान में लगे सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से मतदान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है, उसी तरह से मतगणना भी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना हम सबके लिए एक चुनौती है। डीएम ने मतगणना में तैनात सभी कार्मिकों से कहा कि वो प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों को समझ लें ताकि मतगणना के वक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर डीडीओ केएन तिवारी, डॉक्टर कमल पंत, संजय पांडे, आलोक भंडारी, गंगागिरी गोस्वामी आदि मौजूद थे। त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन हमारा मतदान संपन्न हो गया। मतगणना हमारी जो है 21 तारीख को है, उसके लिए हमारे तीनों विकासखंड में जो मतगणना कार्मिक होंगे उनका प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कुल 480 कार्मिक डिप्लॉयड हैं और 24 टेबल हमारे बागेश्वर ब्लॉक की होगी और 10 टेबल गरुड़ और कपकोट की होंगी। उसके अनुसार हमने यहाँ सैद्धांतिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक सारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतपेटी को कैसे खोला जाएगा और उसमें मतगणना के दौरान क्या क्या उनमें शर्तें हैं, क्या निर्देश हैं, उसका विस्तृत उनको निर्देश दिया जा रहा है। तो बाकी सारी तैयारी हो गई, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार हम लोग पूरी मतगणना कराने के लिए शांतिपूर्ण पूरी तरीके तैयारी हो चुकी है। देखिए, जैसा कि सभी अवगत हैं, हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो 21 तारीख को 8 बजे से शुरू होनी है। उसके लिए हमने जो रैंडमाइजेशन के माध्यम से 480 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई हुई है, उनका आज यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। वो दो चरणों में किया जा रहा है, पहले सैद्धांतिक ट्रेनिंग हो रही है, फिर व्यवहारिक ट्रेनिंग उनकी दी जाएगी। और पूरी हमारी जो मतगणना का कार्य है वो हमारा सभी ब्लॉकों में संपन्न होगा अलग अलग, और 8 बजे तक जो शाम को है उसके बाद दूसरी भी शिफ्ट शुरू होगी, क्योंकि मतगणना का कार्य काफ़ी लंबा चलेगा बैलेट पेपर से है, तो इसलिए हमने पाली वाइज ड्यूटियाँ भी लगाई हुई हैं और सभी व्यवस्था हमने सुनिश्चित भी कर ली है। और जो मतगणना कार्य के लिए जो मजिस्ट्रेट की तैनाती है सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की, वो अलग से उनकी तैनाती भी कर दी गई है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था सहित हमारी पूरी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली गई। उनके तीनों ब्लॉकों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, वो पूरी ट्रेनिंग हमारी सभी कार्मिकों की दी जा रही है सभी ब्लॉकों के लिए, और उसमें बागेश्वर में 24 टेबल लग रही हैं बागेश्वर विकासखंड में, और गरुड़ और कपकोट विकासखंड में 10-10 टेबल लगेंगी, और उसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटियाँ भी लगेंगी, तो उस हिसाब से 480 लोगों का कुल मिलाकर ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। कितने घंटे की शिफ्ट? देखिए, अभी हमने प्लान किया है जो हमारी कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पे 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं कि कितने देर तक चलेगा, फिर उस हिसाब से फिर हम लोग आगे भी उसको बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे जो स्ट्रांग रूम की अगर हम बात करें तो हमारे तीनों विकासखंड के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, और उस पर पूरी जो मानक के अनुसार है वो पूरी 24/7 सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे की गई है, पूरी कार्मिकों की तैनाती की गई है, और वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगाए गए जिसके एक अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, तो और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार वहाँ पे देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई है। CCN न्यूज के लिए बीना गड़िया और सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।